सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उन सभी का हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाबा आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों आगे की जितनी भी आपको बातें बताऊंगी, जो भी अनुभूति आपके साथ शेयर करूंगी, उन्हीं के शब्दों में होगी जिनकी ये अनुभूति है। तो चलिए दोस्तों आनंद लेते हैं बाबा की इस सुंदर अनुभूति का। नमस्कार दीदी, मेरा नाम राधा सोनी है और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर की रहने वाली हूँ। मेरे पति यहाँ एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारा छोटा सा सुखी परिवार है। और दीदी मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है हमारे घर से कुछ दूरी पर, और वहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को स्थानीय महिलाओं द्वारा, जो मोहल्ले की औरतें हैं, वो सब मिलकर बाबा का भजन करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। मैं भी धीरे धीरे वहाँ जाने लगी और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती, तो मेरा मन वहाँ पर लगने लगा। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का है और बेटी अभी 3 साल की है। मैं आपको जो अनुभूति शेयर कर रही हूँ वो मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी भी याद करना नहीं चाहती। दीदी उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया है, अब मैं कभी भी अपनी बेटी को देख नहीं पाऊँगी, मैं अब जीना ही नहीं चाहती। उस क्षण मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं। दीदी मेरे घर के पास जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ नागपंचमी के दिन बहुत विशाल भंडारा हुआ। स्थानीय लोगों ने मिलकर वहाँ भंडारा कराया और उस समय मुझे मंदिर नहीं जाना था, मेरा पीरियड चल रहा था। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं तो मंदिर नहीं जा सकती, पड़ोस में रहने वाली मेरी महिला मित्र हैं जो वो जा रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि राधा चलोगी? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं जाना है दीदी, बच्चों को आप लेते जाइए और वो भंडारा खा लेंगे और मेरे लिए भी प्रसाद लेते आएंगे। और मैंने अपने पड़ोसन के साथ अपने बच्चों को भेज दिया। मेरा बेटा कुछ समझदार है, उसने कहा मम्मी आप चिंता ना करो, मैं बहन का हाथ पकड़े रहूँगा, मेरी बेटी का नाम गर्वी है दीदी। और वो उसके साथ चली गई। लगभग 2 घंटे बीत गए थे, मुझे लेकिन इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि मंदिर में अक्सर भजन कीर्तन चलता है, बच्चे मेरे शौक से वहाँ बैठे रहते हैं, तो मुझे लगा कि बच्चे वहीं पे खेल कूद रहे होंगे और भंडारा खा रहे होंगे, मैं अपने काम में लगी रही। शाम का 5 बजा तो मेरा बेटा भागते हुए घर आया और कहने लगा कि मम्मी गर्वी कहीं मिल नहीं रही है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, मैंने कहा अरे तुम कैसी बात करते हो, अभी तो गर्वी तुम्हारे साथ गई थी, अब कह रहे हो कि मिल नहीं रही है, जाकर उसे ढूंढो, मंदिर में ही होगी। और मैं भागते हुए उसके साथ चली गई क्योंकि उस समय मुझे लगा कि हो सकता है कि वो बच्चियों के साथ खेल में लग गई हो और ये भी बच्चा है ये देख नहीं पाया होगा। मैंने उस बात पे इतना टेंशन नहीं लिया। मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा था। मैंने वहाँ जाकर अपनी पड़ोसन से पूछा तो वो भी भजन कीर्तन में लगी हुई थी, उसने कहा कि गर्वी यहीं खेल रही थी, अभी तो मैंने कुछ देर पहले उसको देखा था। तो मैं निश्चिंत हो गई कि हो ना हो बेटे ने ढूंढ नहीं पाया। मंदिर के चारों तरफ मैंने ढूंढा, मंदिर के बाहर एक पार्क है, मंदिर मतलब पार्क के अंदर है, मैंने वहाँ पर भी ढूंढा, वहाँ खेलने वाले बच्चों से भी पूछा, परंतु मेरी बेटी गर्वी कहीं नहीं मिली। मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। फिर मैंने आस पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्तों से पूछताछ की, मुझे लगा हो सकता है कि वो किसी के घर चली गई हो क्योंकि अक्सर वो उन लोगों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन बच्ची अभी छोटी है, मेरी 3 साल की बच्ची है। तो अब मेरे मन में घबराहट सी होने लगी थी, मुझे कुछ कुछ डर सा लगने लगा था। एक तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह हैं, ट्रेनरीज वगैरह हैं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट लग रही थी क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले बहुत से मजदूर हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं वहाँ पर रहते हैं और वहाँ का एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड है। मुझे घबराहट महसूस हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि बेटी नहीं मिल रही, तो उन्होंने बोला कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी मंदिर आता हूँ।
मंदिर आकर हमने उसका फिर से खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। 5 बजे से हमने ढूंढना शुरू किया और शाम का 7 बज गया, बेटी का कोई अता पता नहीं लगा। मेरा रो रो के बुरा हाल था, हस्बैंड भी रो रहे थे, बेटा भी रो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया उजड़ गई। मंदिर में जो भी लोग थे वो वहीं पर ठहर गए, पूजा कीर्तन जो चल रहा था वो बंद हो गया, भंडारे का कार्यक्रम वहीं पर स्थगित हो गया और सभी लोग मेरी बेटी को ढूंढने लगे। सब लोगों ने कहा कि हमें पुलिस कंप्लेन करा देनी चाहिए। जब हम कंप्लेन कराने गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी कंप्लेन हम नहीं लिख सकते, लेकिन बच्ची ज़्यादा छोटी होने की वजह से उन्होंने ढूंढने के लिए हमें आश्वासन दे दिया और हमारी मदद के लिए कुछ लोगों को भेज दिया और उन बेटी की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन बेटी का अता पता नहीं था। मैंने वहीं पे हनुमान जी की मूर्ति जो स्थापित है वहाँ जाकर मैं बैठ गई। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपके मंदिर में रोज़ दर्शन करने आती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरी बेटी को आप कहाँ से ढूंढ कर ला के दोगे। हमने आसपास जहाँ तक संभव हो सकता था मैंने ढूंढ लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी तब तक, कुछ ना खाऊँगी ना पीऊँगी जब तक आप मेरी बेटी को मेरी गोद में ला कर नहीं बिठा देते। अब मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। सब लोगों ने बहुत समझाया कि घर चले जाओ, अब रात हो गई है, लेकिन मैंने एक मन्नत मान ली थी कि मैं जाऊंगी नहीं। रोती जा रही थी और हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ करती जा रही थी, राम जी का नाम लेती जा रही थी। मैं बाबा से कह रही थी कि आपको राम जी की सौगंध है, मेरी बेटी को वापस कर दीजिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, मेरे परिवार की वो जान है, आप मेरी बेटी को वापस करिए। मैं ऐसे लगातार कहती रही और हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। रात का 11 बज चुका था, 12 बज गया, 1 बज गया, धीरे धीरे सुबह हो गई। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी। पुलिस वालों ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, बच्ची की ढुनाई होने लगी। मैं लेकिन मंदिर से नहीं हिली, मैंने प्रण ले रखा था कि जब तक बच्ची नहीं मिलेगी मैं मंदिर से नहीं जाऊँगी। मैंने पंडित जी से कह दिया, आपको जो कुछ पूजा पाठ करनी है करिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। मंदिर छोटा सा है लेकिन मैंने वहीं पे एक तरीके से अपनी समाधि लगा ली, मुझे हटना तो नहीं था। मैं अब जो भी करेंगे वो बाबा करेंगे, इसी निश्चिंता के साथ वहाँ बैठी थी, रोती चली जा रही थी और हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ करती चली जा रही थी। मेरे मन में अब बेटी को लेकर शंकाएँ जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊँगी, लेकिन हाँ, मुझे बाबा पर विश्वास भी था। उसी विश्वास के सहारे दीदी मेरा दिन जो था वो कट रहा था। हिम्मत कहीं ना कहीं से, विश्वास कहीं ना कहीं से बंधा हुआ था। बेटी का कोई पता नहीं था, सब लोग कहने लगे कि अब शायद मेरी बेटी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे विश्वास था मेरी बेटी मिलेगी। इतने में कुछ लोग भागते हुए आए और कहने लगे कि राधा, तुम्हारी बेटी मिल गई है, देखो वो आ रही है। मैंने पलट कर देखा तो मेरी बेटी भागती हुई आई और मेरे गले से लिपट गई और रोने लगी। मुझे पता चला कि जब भंडारा हो रहा था तो पीछे की एरिया में कुछ लोग रहते हैं, नट लोग रहते हैं, जो सड़क पर नाच गाकर पैसा कमाते हैं, वो भंडारा लेने के लिए आए थे और मेरी बेटी उन्हीं लोगों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उन बच्चों के साथ वो कब उनकी एरिया में पहुंच गई उसको भी पता नहीं चला, और ना ही उनके बच्चों को पता चला कि मेरी बेटी उनके साथ चली गई है। रात ज़्यादा होने की वजह से और मेरी बेटी कुछ बता नहीं पाने की वजह से वो लोग उसको लेकर पुलिस स्टेशन नहीं गए। उनके मन में ये भी शंका हो गई थी कि कहीं कोई उन्हीं के ऊपर शक ना कर ले, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि हम मंदिर में भंडारा लेने गए थे, वहीं पर ये बच्ची हमारे साथ आ गई होगी। तो हमने निश्चित किया कि हम सुबह मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर इसके माँ बाप को ढूंढेंगे और वहीं पर इस बच्ची को सौंप देंगे, मंदिर में ही सौंप देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर मिल गए और आपकी बच्ची ये देखिए बिल्कुल सही सलामत है। मुझे उस दिन अपने बाबा पर इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि ये जो चमत्कार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा कर सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतनी दूर पहुंच गई। और दीदी, आजकल जो लोग हैं उनका आप भरोसा नहीं कर सकते,
बच्ची पाकर कोई उसके साथ कुछ गलत हरकत भी कर सकता था, क्योंकि आजकल छोटी छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जाता। मेरी बच्ची तो फिर भी 3 साल की थी। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ गलत हरकतें लोग कर देते हैं। यही सब सोचकर रात भर मुझे बस रोना ही आ रहा था, घबराहट सी हो रही थी। मैं उन लोगों का धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने मेरी बच्ची को रात भर संभाला, उसका ख्याल रखा, उसे खाने पीने को दिया और सुबह लाकर उसे यहाँ पर छोड़ा। और मैंने मन्नत मानी थी कि जब अब की बार मंगलवार आएगा तो मैं भंडारा कराऊंगी। तो दीदी, अब की बुढ़वा मंगल जो आ रहा है 26 तारीख को, तो वो हम मंदिर पर भंडारा करा रहे हैं और बाबा के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। दिल से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी का इसी तरीके से कष्ट दूर कीजिए। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप इस तरीके की सच्ची अनुभूति लोगों तक पहुँचाती हैं। धन्यवाद राधा जी, आपने बहुत ही सुंदर अपनी अनुभूति हमारे साथ शेयर की। ये तो चमत्कार जो आपने बताया, ये सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। और ऐसे ही चमत्कारों को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना कर रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।